बाकी ऑनरेबल जज प्रेसिडेंट मेंबर्स एक बहुत बड़ी खूबसूरत आवाज जिसको अभी सिर्फ चंद मिनट पहले आयरन लेडी के हवाले से उनका तारुफ कराया गया और रेफरेंस हुआ। सारी जिंदगी उसकी आवाज गरीबों की आवाज थी, इस मुल्क के मजलूम लोगों की आवाज थी, क्या औरत क्या मर्द हर शख्स के लिए उसने आवाज उठाई और बड़े दर्द से आवाज उठाई। जब वो आवाज उसमें एक गूंज थी, एक चीख थी, वो ये नहीं देखती थी कि ये आवाज ये चीख किन की कानों में जाकर जो है हलचल मचाएगी, कभी उसने नहीं सोचा, कभी उसने नहीं सोचा। मगर आज उस आयरन लेडी के हवाले से मैं बहुत अफसोस और उससे कहता हूं कि आसमा जहांगीर फाउंडेशन के मैनेजमेंट्स में आज जो इस इनॉगरल सेशन के लिए जो टॉपिक चूज किया है उस हवाले से मैं समझता हूँ कि कतन सही नहीं है। रोल ऑफ द जुडिशरी इन प्रोटेक्टिंग द ह्यूमन राइट्स एंड स्ट्रेंथनिंग द डेमोक्रेसी, क्या बात करते हैं, क्या बात करते हैं, कौन सी जुडिशरी मौजूद है, कौन सी जुडिशरी मौजूद है। वो जो हमारे सामने है, वो जो उसमें हम पेश होते हैं, वो अदालतें, वो जुडिशरी जिसमें इस मुल्क के लाखों लोग इंसाफ के लिए अपनी दादरसी के लिए मौजूद होते हैं। जब वो 2:30 बजे वापस अपने घरों को जाते हैं तो अपने सीने पे अपनी रूहों के ऊपर एक जख्म लेकर जाते हैं। आप उस जुडिशरी की बात करते हैं, वो लोगों को ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करेगा, वो हमारी जमहूरियत को स्ट्रेंथन करेगा। बहुत बहुत हल्का, बहुत छोटा टॉपिक आपने जो है इस स्पीकर्स को दिया है। ये जुडिशरी जिसको मैं नहीं कहता, इंटरनेशनल जो एक्सपर्ट्स के हवाले से जिस नीचे की जो नंबर है उसमें 130 में 126 नंबर पे, मुझे वॉइस ऑफ अमेरिका वाले ने, पाकिस्तानी था, उन्होंने कहा कि आपसे कुछ बातें करनी है और आपका इंटरव्यू लेना है। मैंने कहा किस बात में, कहते हैं अभी जो रिपोर्ट आई है कि पाकिस्तान की जुडिशरी दुनिया की जुडिशरी में 126 नंबर पे है। मैंने कहा इस पे आप बहसियत पाकिस्तानी खुश नहीं कि नीचे से हम 4 नंबर ऊपर हैं। ये मजाक बंद होना चाहिए। और जो भी हमारी जुडिशरी मौजूद है, मैं अफसोस से कहता हूं, मैं कोई शौकिया नहीं कहता, कोई अब किसी भी मकसद में, खुदा की कसम, मैं कसम खा के कहता हूं, कोई मेरा मकसद नहीं है इस तरह की बातें करने के लिए। मैं एक जिम्मेवार आदमी हूं इस मुल्क के लिए, इस मुल्क की जुडिशरी के लिए, इस मुल्क की जुडिशरी के लिए जितने लोगों ने काम किया, जितने लोगों ने कुर्बानियां दी, सबसे आगे अली अहमद कुर था। मुझे राइट में उसका बात करना, ये मेरा हक है, ये मेरा हक है कि मैं बात करूं। आज जो भी हमारी जुडिशरी है हम रिस्पेक्ट करते हैं। मैं कभी भी कोर्ट
कंट्रोल रूम में जो है मैं वो करते हुए गया हूँ, बहुत रिस्पेक्ट पे करते हुआ हूँ मैं, क्यों वो कोर्ट में रिस्पेक्ट देते हैं, कोशिश करते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं लोगों के लिए, जो भी थोड़ी बहुत छोटी मोटी जो भी रिलीफ हम लेने की कोशिश करते हैं। मगर उस जुडिशरी में भी वाज तौर पे नजर आने वाली बात है कि डिवीजन है, 126 नंबर पे भी जो जुडिशरी है उसमें भी डिवीजन है। अब हम क्या लोगों को मैसेज दे रहे हैं? मुझे अफसोस होता है, मैं एक जिम्मेवार आदमी हूं और मुझे अफसोस होता है क्यों हम इस हालत में पहुंचे। ये 22 करोड़ आवाम का मुल्क है, 22 करोड़ आवाम का मुल्क है, 22 करोड़ आवाम का मुल्क है, और एक जनरल आखिरी सेशन में प्लीज
डेकोरम का ख्याल करें आप, प्लीज 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 जेंटलमैन, अली अहमद पुर साहब आ गए, दाऊद बैठ जाओ आप, प्लीज ट्राई टू मेंटेन द डेकोरम ऑफ द कॉन्फ्रेंस प्लीज, थैंक यू वेरी मच। अली अहमद पुर साहब, तो जनरल को नीचे आना पड़ेगा, बिल्कुल आप क्लियर कट बात है। अब वक्त आ गया है कि आंखों में आंखें डालकर बात करेंगे, और हम जरूरी है कि उन लोगों की आंखों में आंखें डाल के बात करेंगे जो हमारा हमें 70 साल से अपनी आंखें दिखा रहे हैं। ये मुल्क, इसमें आप जब मिडिल क्लास नहीं रही, जब इंटेलेक्चुअल क्लास नहीं रही, अब कोई लीडरशिप नहीं, जो भी आएगा वो और छोटे कद का आदमी आता जाएगा। ये मुल्क जिस हालत में पहुंचा है, मैं एक सियासी एक्टिविस्ट के तौर पर अपने दिन रात मैंने लगाए हैं इसमें, सड़कों पे लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर मैं जलसे जुलूस में रहा हूं। मैं उस एक्सपीरियंस की बुनियाद पे कहता हूं, उठो, मैं करूंगा, अपनी जान में जान पैदा करो। ये मुल्क आपकी मुट्ठी से रेत के जर्रात की तरह गिरता खत्म हो रहा है, कोई मुल्क आपके लिए नहीं रह गया। ये मुल्क अब भी आपके पास वक्त